हाईवे इलाके के एनएच टू पर चलती कार टाटा सुमो में अचानक आग लग गई। कार में सवार 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चलती कार में आग को देखकर एनएच टू पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। गाड़ी चालक ने बताया कि वे राया में किसी गमी में आए हुए थे और वहां से वापस अपने घर हसनपुर जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी को रॉन्ग साइड में लगाकर चेक किया तो अचानक गाड़ी विकराल रूप से जलने लगी और गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। संदीप नाम। भाई साहब, हम किसी गमी में से आ रहे थे फैमिली के साथ, अचानक इस रोड पे अभी आते ही थोड़ी देर में स्मेल आने लगी गाड़ी में से। अंदर बैठे थे हम जैसे, तो मैंने उसको भाई जो गाड़ी चला रहा था उसको बोला, मैंने यार बदबू आ रही है गाड़ी में, साइड में लगा लो। साइड में रोकते ही गाड़ी में एक साथ चिंगारी निकल गई उसमें से पूरी। वो तो हमने पूरी फैमिली निकल के अपना जैसे तैसे जान बचा ली। गाड़ी में कितने लोग थे? हम थे लगभग 7-6 के करीब। 6 थे, एक छोटा बच्चा था। मतलब किसी के चोट नहीं आई इसमें? नहीं, चोट नहीं आई कुछ। मतलब कोई ऐसा मतलब शारीरिक नुकसान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से आप? हसनपुर से। कहाँ से? राया के पास गांव में से आ रहे थे। सर, क्या था हुआ है? ये जो है, ये संदीप ड्राइवर चालक है टाटा सुमो का। वो जो है 477B0609 से जा रहा था, 5-6 सवारी लेकर के जा रहा था गमी से दिल्ली की तरफ। उसमें अचानक उसके इंजन में धुआं की आवाज़ आई और उसके धुआं बोनट खोला तो उसे आग लग गई। अचानक ये फाकिया हो गई है और किसी को नहीं हुआ। तत्काल सब बाहर निकल के फायर ब्रिगेड में गाड़ी बुलवा करके मैं मौजूद था और उसके फायर ब्रिगेड में गाड़ी बुझवा दिया। यातायात व्यवस्था रोक दिया गया था, फिर चालू हो गया। कोई हादसा नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ क्योंकि छोटी गाड़ी थी। तत्काल जो है हम लोग निकाल लिए, उसको बाहर कर लिए, किसी प्रकार कोई हादसा नहीं हुआ।